अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर इस्लामियात फीमेल का जो पेपर हुआ था 29/8/2021 को। केस नंबर था 14B/2020 और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ था। और इसके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो डिस्कस करने वाले थे सब्जेक्ट के, तो आए डिस्कस करते हैं। वन है, खबर अजीज से क्या मुराद है जिसके दो रावी हों। मदारुजुल नबुवा के मुसन्निफ कौन है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। रहमतुल आलमीन किसकी किताब है, काजी सुलेमान मंसूरपुरी की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों का दौरे खिलाफत जो है ना वो कितना था और कहाँ से लेकर कहाँ तक था। 644 से लेकर 656 AD तक। शाज किस रवायत को कहते हैं जिसकी रवायत करने वाले बहुत कम हो। सही बुखारी की शरह किसने लिखी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने। जामियुल अजहर कहाँ पे है, मिस्र में है। मिसाके मदीना पहला आइनी दस्तूर है, किसने ये अल्फाज कहे, डॉक्टर हमीदुल्ला ने। हदीस में हिकमत और दनाई का मालिक किसे कहा जाता है, अहले फारिस को। हदीस के रावी अगर मुखालफत करें तो इस हदीस को क्या कहते हैं, ज़ईफ हदीस। नंबर 11, हद कज़फ किस सूरत में बयान हुई है, सूरह नूर में। फलसफा तारीख किस मुस्लिम साइंसदान का है, इब्ने खलदून। फतहुल बारी के मुसन्निफ कौन है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी। स्पेन को किसने फतह किया, तारिक बिन ज़ियाद ने। कसीदा बुरदा शरीफ के खालिक इमाम बुसेरी का ताल्लुक कहाँ से है, मिस्र से। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़वाए बदर में किसको कत्ल किया, शिबा को। हयात मोहम्मद किसने लिखी, मोहम्मद हुसैन हैकल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया, अबुल उलू फिरोज़ ने। अदाबुल मुफ़रद किसकी तसनीफ़ है, इमाम बुखारी की। इजहारुल हक दफा इस्लाम के मौजू पर लिखी गई एक किताब है, इसके मुसन्निफ का क्या नाम है, मौलाना रहमतुल्ला। अहद नबवी में जंग मैदान जंग किसकी तसनीफ है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला की। सुकूत इंदलस कब हुआ, 1492 को। असबाबुल नजूल क्यों जानना ज़रूरी है, तफसीर के लिए। अस्हाबुल हजर किस कौम को कहते हैं, कौम समूद को। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किन खुलफाए राशिद के दौर से हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से। नंबर 26, फतावा हिंदिया किस दौर में लिखी गई, औरंगज़ेब के दौर में। अमालुल अहलिल मदीना किसका अमल है, इमाम मालिक का। सही बुखारी की गैर मुकर्रर अहादीस की तादाद कितनी है, 3000। बुद्ध मत का आगाज कब कहाँ से हुआ, बरेसगीर से। तारीख तिबरी कितने साल में मुकम्मल हुई, 7 साल। दरियाए दजला में किस सहाबी ने गोरे उतारे थे, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 32, हक महर कलीता किसका हक है, औरत का। फर्ज और वाजिब किन फुकहा के नज़दीक अलग अलग हैं, इमाम अबू हनीफा।
सिता अयाम कौन सा मरकब है? मरकब अजाफी। किस सहाबी का नाम सूरह एहजाब में आया है? हजरत जैन बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी है? 11 साल 11 माह 18 दिन। फतहुल बलदान किसकी किताब है? अबुल हसन अहमद बिन यहया की। हदीसे जिब्रील में इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील ने कितने सवाल किए? 4। शाह वलीउल्लाह की तसनीफ अल्फौजुल कबीर का मौजू क्या है? असूले तफसीर। इमाम बुखारी ने कितनी अहादीस के साथ तलासियात तहरीर किया है? 22 के साथ। मुसारफ ज़कात जो है वो किस सूरत में बयान हुए हैं? सूरह तौबा में, और टोटल 8 है। वेटिकन सिटी किस मजहब का शहर है? ईसाइत का। सवा असबील कौन सा मरकब है? मरकबे तोसीफी। सही बुखारी की पहली हदीस कौन सी है? अमाल का दारो मदार नियतों पे है। वासिल बिन अता किसके बानी है? मुतज़िला। शरई अदालत किस आइन के तहत बनी? 1973 के आइन के तहत। मकतूबात इमाम रब्बानी किसके मकातीब हैं? शेख अहमद सरहिंदी के। शाह वलीउल्लाह ने इमाम मालिक की किताब मोता को किसकी जगह सहा सिता में शामिल किया है? सुनन इब्ने नसाई। इंश्योरेंस का मुतबादिल निज़ाम क्या कहलाता है? तकाफुल। दास्तान लखनऊ का नुमाइंदा किसे समझा जाता है? ख्वाजा हैदर अली आतिश को। नमाज कब तक याद कराई जाए? 7 साल तक। लौला इस्नादी लकाला मन शाह मा शाह। इस्नादी दीन का हिस्सा समझिए, ये किसने कहा है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी किसकी तसनीफ है? डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला की। किस किताब में फुकहाए अरबा का जिक्र मौजूद है? जामिया तिर्मिजी। ला ताबुदुल हैनी अल नतैनी, दो इलाही की इबादत ना करो, इससे क्या मुराद है? सुनूयत। उल्मा मतीन से मुराद कौन है? यहूद। का आना अपने इसम क्या देता है? रफा। ला तस आलू कौन सा फेल है? फेल नहीं। सन हिजरी का आगाज कब हुआ? 622 AD। अकमा और अबरस का मौजा किसका है? हजरत ईसा अलैहि सलाम का। तो ये थी आज की वीडियो, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इंशाल्लाह ताला मेल जो लेक्चरर इस्लामियात की जो वीडियो है वो 1-2 दिन तक वो भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।